वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, कौन थे? तो लोकायुक्त मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकायुक्त मतलब नाम से लगता है लोगों का आयुक्त, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो सत्ता का दुरुपयोग, कुप्रशासन या भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर मंत्रियों, विधायकों, प्रशासन और जितना भी लोक सेवक होता है उन लोगों के खिलाफ जो है जनता के शिकायतों का समाधान करता है, ठीक है, लोकायुक्त। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक उच्च स्तरीय जो है संवैधानिक, यानी संविधान के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी होता है और ये क्या करता है कि जो भी मंत्री हो या विधायक हो, प्रशासन हो या कोई भी लोक सेवक हो, यदि वो कुप्रशासन फैलाता है, भ्रष्टाचार फैलाता है या फिर सत्ता का दुरुपयोग करता है और अगर उसके अगेंस्ट जो है जनता का शिकायत आता है तो ये क्या करता है कि उन सभी शिकायतों को सुनता है। तो झारखंड राज्य में प्रथम जो लोकायुक्त थे वो कौन थे? ये न्यायाधीश थे लक्ष्मण उरांव, ठीक है, इनका नाम क्या है? लक्ष्मण उरांव। और लोकायुक्त के पास भी जो है, जो एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश के पास होता है एलिजिबिलिटी, वो जो है लोकायुक्त के पास भी होना चाहिए। तो ये न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव को जो है झारखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था, ठीक है। कौन है? लक्ष्मण उरांव है। और ये जो है सबसे पहला है झारखंड राज्य का, ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट है 2021 से क्या है? रिक्त है, ठीक है, ये पोस्ट जो है अभी खाली है, अभी इसमें कोई भी लोकायुक्त क्या है? नहीं है। 2021 से ये पद जो है खाली है। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसका लोकायुक्त का गठन, लोकायुक्त का जो गठन होता है ये कैसे होता है, ये किस अधिनियम के तहत होता है? झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001, लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत, ठीक है। तो अधिनियम जो इसके खिलाफ बना है झारखंड लोकायुक्त के गठन के लिए 2001 में बना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, ठीक है। महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड, अटॉर्नी जनरल ऑफ झारखंड, ये हो गया। तो अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, और अगर हम इसी को सेंट्रल लेवल पर जाने, ये तो प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जो क्या करता है कि स्टेट को लीगल एडवाइस करता है, ठीक है, और इसके पास जो एलिजिबिलिटी होता है, एक मुख्य न्यायाधीश बनने का जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए ये महाधिवक्ता भी को भी, ठीक है, होता है, ठीक है, दोनों का सेम एलिजिबिलिटी होता है। लेकिन ये क्या करता महाधिवक्ता? ये स्टेट को जो है, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है, ठीक है। और तो कौन है महाधिवक्ता? कौन है? प्रथम महाधिवक्ता के बारे में बोल रहा है। तो प्रथम महाधिवक्ता जो है ये मंगलमय बनर्जी हैं, ठीक है। मंगलमय बनर्जी क्या हो गया, महाधिवक्ता जो हो गया ये कौन हो गया, प्रथम महाधिवक्ता कौन हो गया, मंगलमय बनर्जी। और इसकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, इसकी जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा, जो मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, ये राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है। और इसकी नियुक्ति के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 165, ठीक है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में जो है बताया गया है, कितना, 165। तो प्रथम कौन हो गया महाधिवक्ता, मंगलमय बनर्जी, ठीक है। तो ये जो महाधिवक्ता है ये क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है। तो ये विधानसभा होगा या विधान परिषद होगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि हम कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल। तो बहुत जगह जो है द्विसदनीय होते हैं, तो वहाँ पर विधानमंडल होते हैं, यानी विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। तो ये जो है जहाँ जिस राज्य में जैसा भी हो, ये जो क्या करता है, इसका ऑथोरिटी क्या है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है। ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बैठता है, अपनी बातें रखता है, लेकिन ये उसके वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। ये मतदान नहीं कर सकता है, सिर्फ अपना राय वहाँ पर रख सकता है, ठीक है। तो मेनली क्या हो गया कि ये स्टेट को लीगल एडवाइस देता है, ठीक है। तो ये हो गया कौन, महाधिवक्ता। अब अगर करंट टाइम पे आप बोलेंगे कि झारखंड विधानसभा का जो है, झारखंड राज्य का जो है कौन महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता तो कौन है, ये हो गए राजीव रंजन, राजीव रंजन, ठीक है। ये जो है अभी महाधिवक्ता है। देखिए ये तो बात हो गई कि किसका, राज्य का। और सिमिलर पोस्ट एक अगर सेंट्रल लेवल पर अगर बोलेंगे, सेंट्रल लेवल पर कौन होता है, एजीआई, ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसको महाधिवक्ता कहे, इसको महान्यायवादी, न्यायवादी, ठीक है। तो महान्यायवादी जो होता है ये सेंट्रल लेवल पे होता है। और अभी जो महान्यायवादी हैं केंद्र पे, ये कौन है, ये हो गया आर वेंकटरमणी, ये कौन हो गया, आर वेंकटरमणी, वेंकटरमणी, ठीक है। ये आर वेंकटरमणी जो है ये अभी भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, महान्यायवादी हैं। ये क्या करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होगा वो लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है जैसे राज्य में इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, उसी तरह केंद्र में इसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा होता है नियुक्ति। और आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में। इसका हो गया 165 और इसका आर्टिकल 76 में जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी स्थापना जो है 2002 में किया गया जाता है, कब, 2002 में इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि अगर हम झारखंड लोक सेवा की आयोग की बात ना करें बल्कि किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, तो इसके गठन के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 315। ठीक है, आर्टिकल कितना? 315। ठीक है, तो आर्टिकल 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में आर्टिकल 315 में दिया गया है। तो झारखंड में भी लोक सेवा आयोग का गठन हुआ होगा, तो इसी आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 315। ठीक है, तो जेपीएससी का गठन जो किया गया है, ये कब किया गया है? 2002 ईस्वी में किया गया है। तो आंसर कितना होगा? 2002 में। और इसकी जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अब जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये रांची में ही होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है जेपीएससी का? रांची है। अब देखिए, अगर इसका चेयरमैन की बात करें, जो प्रथम चेयरमैन था, ये तो आएगा नहीं वैसे, प्रथम चेयरमैन जो प्रथम अध्यक्ष था जेपीएससी का, ये कौन था ये भी जान लीजिए, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, हेम्ब्रम। ठीक है, फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा, मेरी नीलिमा करकट्टा। ठीक है, ये डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा जो है ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीलिमा करकट्टा। इसमें जो टोटल होते हैं ये 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल सदस्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 हो गया तुम्हारा अध्यक्ष प्लस 8 क्या हो गया? सदस्य हो गया। ठीक है, 1 हो गया अध्यक्ष और 8 क्या हो गया? सदस्य हो गया। तो टोटल जो लोकसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और इसका जो स्थापना किया गया था 2002 में किया गया था। ठीक है, और इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा, और अगर त्याग पत्र भी देना है तो राज्यपाल को, राज्यपाल को दिया जाना है। ठीक है, त्याग पत्र जो है राज्यपाल को ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जेपीएससी है, अगर जेएसएससी का पूछा जाए तो क्या होगा? जेएसएससी का, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष पूछा जाता है, तो ये क्या होगा? जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है ये हो जाएगा कौन? नीरज सिन्हा। पहले तो डीजीपी रहे हैं। ठीक है, पूर्व डीजीपी कौन हो जाएगा? नीरज सिन्हा। ये भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। नीरज सिन्हा कौन है? आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और ये जो है पूर्व डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी झारखंड का। ठीक है, डीजीपी झारखंड के हैं कौन? नीरज सिन्हा। और इसका गठन जो है अधिनियम 2008 के तहत जो है जेपीएससी का गठन किया जाता है। झारखंड के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो कौन है? ये है श्री एल खियात्यांगे, वर्तमान मुख्य सचिव हैं। ये 24वें मुख्य सचिव हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुखदेव सिंह का। ठीक है, सुखदेव सिंह का स्थान लिया है। तो अभी मुख्य सचिव कौन हो गए? श्री एल खियात्यांगे। और अगर पहला मुख्य सचिव की बात करें तो वीएस दुबे। ये जो है खियात्यांगे 1988 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, 1988 बैच के। अगर प्रथम इतना तो नहीं पूछना चाहिए, प्रथम सचिव अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुबे जी हैं, बीएस दुबे, ठीक है। बीएस दुबे कौन है? इसका प्रथम सचिव है, मुख्य सचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, ठीक है, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पहले कौन थे? नीरज सिंह थे, नीरज सिन्हा, नीरज सिंह। ये देखिए नीरज सिंह नहीं होगा, नीरज सिन्हा होगा, ठीक है, नीरज सिन्हा। देखिए नीरज क्या होगा? सिन्हा होगा, ठीक है। झारखंड राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन है? ये जो है ये पहले थे, ठीक है, पहले थे। अभी जो है ये जेएसएससी के जो है चेयरमैन है, चेयरमैन है नीरज सिन्हा, ठीक है। पहले डीजीपी थे, अब क्या है? जेएसएससी चेयरमैन है, ये रिटायर हो चुके हैं और इनके जगह में जो है अजय कुमार सिंह आए हैं, ठीक है। अजय कुमार सिंह जो है वर्तमान डीजीपी ऑफ झारखंड, अजय कुमार सिंह, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है, ठीक है, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था झारखंड राज्य के गठन हेतु। तो ये कौन सा होगा? अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था झारखंड राज्य के गठन हेतु, ठीक है। देखिए ये भी हम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर सबसे पहला जो है पुलिस महानिदेशक कौन है, ठीक है, झारखंड राज्य का पहला डीजीपी कौन बना था? पहला डीजीपी कौन बना था? ये हो गया टीपी सिन्हा। टीपी सिन्हा जो है ये झारखंड राज्य का पहला डीजीपी बने थे, ठीक है। और इसका आंसर कितना होगा? अनुच्छेद 3 होगा, आर्टिकल 3, ठीक है। और अगर हम लोकसभा में पारित करने का, ये जो विधेयक है लोकसभा में कब पारित किया गया? ये 2 अगस्त को 2000 को पारित किया गया लोकसभा, ठीक है, में पारित कब किया गया था इस विधेयक को? 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ये भी याद रखिए। इस समय जो पीएम थे जब ये झारखंड गठन हो रहा था, तो इसमें पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन। और जब ये विधेयक हो रहा था तो उस समय जो बिहार की मुख्यमंत्री थी कौन था? राबड़ी देवी थी, ठीक है। झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी जो है ये किसको कहा जाता है? देवघर को कहा जाता है। और इसमें जिला का निर्माण कब हुआ था? 1981 में जिला बना था। ये कब जिला बना था? 1855 में, दुमका। और दुमका में एक इम्पॉर्टेंट नदी है मयूराक्षी नदी, इसी के किनारे जो है हिजला मेला का आयोजन होता है। ठीक है। रांची कब बना था? 1899 में। लोहरदगा, इसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। ठीक है, बॉक्साइट सिटी इसको कहा जाता है, बॉक्साइट नगरी। लोहरदगा कब बना था? आप कमेंट कीजिए कि लोहरदगा जो है ये कब बना था, ये किसका हिस्सा, ये नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है लोहरदगा, और ये कब बना था लोहरदगा। यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट नदी है औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है शंख नदी, मुख्य धारा वाली नहीं, एक शंख नदी निकलती है, और एक इम्पॉर्टेंट शंख नदी गुमला से भी निकलती है। ठीक है, और यहाँ से भी एक शंख नदी निकलती है जो दक्षिणी कोयल की जो है सहायक नदी है। ठीक है, और लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ था ये बताइए आप। लोहरदगा जो है ये जिला का निर्माण कब किया गया था? लोहरदगा जिला का लोहरदगा जिले का निर्माण कब किया गया था? नाइनटीन एट्टी थ्री को जो है लोहरदगा जिले का निर्माण हुआ था। ठीक है, नाइनटीन एट्टी थ्री में गोड्डा भी बना था। ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? अगर झारखंड राज्य में संसदीय सीटें की बात करेंगे तो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट को मिलाकर जो है इसको संसदीय सीट बोलेंगे। संसदीय सीट मतलब क्या हो गया? एक तो लोकसभा सीट कितना है यहाँ पर, प्लस राज्यसभा सीट कितना है। ठीक है, टोटल जो हो गया इसको मिला के कितना सीट होता है? 20 सीट होता है। ठीक है, देखिए, और लोकसभा के लिए कितना है? 14 सीट है, और राज्यसभा के लिए कितना है? 6 सीट है। ठीक है, लोकसभा के लिए 14 सीट और राज्यसभा के लिए कितना सीट है? 6 सीट है, और कुल मिलाकर ये जो है कितना हो जाएगा? 20 सीट हो जाएगा। तो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो लोकसभा का सीट है इसमें जो है कुछ एसटी और एससी के लिए जो है निर्धारित सीटें हैं 14 में से। जनरल जो है कितना है? 8 है, और एसटी जो है ये कितना है? 5 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट, और जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट का जो है ये अनुसूचित जनजाति हो गया, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट रिजर्व है, और जो अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व है। तो कहाँ कहाँ 5 सीट रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए? ये देखिए, एक तो दुमका का सीट रिजर्व है। ठीक है, फिर राजमहल का है, राजमहल का सीट है, फिर उसके बाद क्या हो गया? सिंहभूम का सीट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? खूंटी हो गया, फिर कहाँ हो गया? लोहरदगा हो गया। ठीक है, लोहरदगा। ठीक है, तो ये सभी सीटें हैं जो रिजर्व है किसके लिए? लोकसभा के लिए। एसटी सीट है लोकसभा में, 14 सीटों में से 5 सीटें जो है यहाँ से सिर्फ एसटी ही होगा सांसद। ठीक है, अब जो एक शेड्यूल कास्ट के लिए है वो क्या है? पलामू जिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी तरह विधानसभा वाले में भी जो है एसटी और एससी का सीट जो है रिजर्व किया गया है। राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित नहीं है, ठीक है, इसमें से आरक्षित है। तो देखिए जो कौन सा सीट वही बोल रहा है, कौन सा सीट अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित नहीं है। तो हम जानते हैं कि टोटल जो है 20 सीट है संसदीय के लिए, इसमें जो है लोकसभा भी है 20 सीटों में, तो लोकसभा कितनी है 14 है, प्लस राज्यसभा कितना है 6 है, ठीक है। तो इस 14 में से जो है एसटी के लिए कितना है 5 सीट है, एससी के लिए कितना है 1 सीट है, और जनरल के लिए कितना है अभी हमने डिस्कस किया 8 सीट, इसी में पूछ रहा है। तो क्या हो गया, दुमका हो गया, ठीक है, खूंटी हो गया, और 5 सीट में क्या हो गया, दुमका, खूंटी, सिंहभूम हो गया, फिर लोहरदगा हो गया, ठीक है, लोहरदगा हो गया, और एक बच गया, और एक क्या हो गया राजमहल हो गया, राजमहल हो गया, ये एसटी के लिए। तो दुमका भी है, राजमहल भी है, लोहरदगा भी है, तो तीनों तो है ही ना, तो कौन सा होगा, सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आरक्षित सीटें नहीं है, ये नहीं गलत होगा, कौन सा आरक्षित, कौन सा क्षेत्र जो है आरक्षित होना चाहिए, तो सभी जो है आरक्षित सीटें हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु जो है आरक्षित है? वो तो लोकसभा राज्यसभा के लिए था, अब विधानसभा में भी जो है कुछ एसटी का सीट रिजर्व है और कुछ जो है एससी का सीट रिजर्व है, ठीक है। अब देखिए किस जिले में है, तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो निर्वाचित है ये कितना है 81 है, ठीक है, टोटल जो निर्वाचित है ये कितना है 81 है सीटें, ठीक है। निर्वाचित जो सीट है ये गलत है, सीट का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है। टोटल जो निर्वाचित सीटें हैं झारखंड विधानसभा में, ठीक है, ये कितना है 81 सीट है, जिसमें से जनरल कितना है 44 है, एसटी के लिए जो है ये 28 है, और एससी के लिए जो है ये 5 है, ठीक है। अब इसमें से जो क्षेत्र आता है एसटी के लिए 5 क्षेत्र है आरक्षित के लिए, ठीक है, 28 सीट है, तो इसमें से बहुत सारे जो कंबाइन करके है, जिसमें से 5 जो है क्षेत्र आएगा जो आरक्षित है, ठीक है, 5 जो है आरक्षित है, 5 जिला। इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो पहले हो गया, इसमें जो देखिए इसमें क्या हो गया, खूंटी भी आएगा, दोनों में कॉमन है लोकसभा और इसमें, एक तो खूंटी आ गया, दूसरा क्या हो गया, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, जैसे इसमें खूंटी कॉमन है, लोहरदगा कॉमन है, और सिंहभूम जो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, खूंटी हो जाएगा, लोहर दग्गा हो जाएगा, लोहरदगा हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सिमडेगा हो गया, सिमडेगा हो गया, और क्या हो गया गुमला हो गया, ठीक है। तो ये जो है 5 सीट एसटी के लिए निर्धारित है, और एससी के लिए जो 1 सीट है ये क्या होगा चतरा हो जाएगा, विधानसभा में चतरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये लोकसभा की बात करें तो पलामू हो जाएगा, ठीक है। तो कौन नहीं है, गुमला भी है, लोहरदगा भी है, पलामू जो है नहीं है, पलामू तो नहीं है, चतरा ये अनुसूचित जनजाति के लिए। गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, ये दोनों तो है, लेकिन पलामू इस लिस्ट में है क्या? नहीं है, इसलिए यही वाला क्या हो जाएगा? गलत है। ए और बी दोनों है, ठीक है, गुमला भी है और लोहरदगा भी, लेकिन पलामू तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र क्या हो जाएगा झारखंड में? पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये चतरा हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये चतरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया संसदीय क्षेत्र में? पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। किसी राज्य के मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? देखिए, अगर हम विधानसभा की बात करें, कहीं भी विधानसभा हो, कोई भी हो, किसी भी राज्य का, तो इसमें जो है एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? 164A, 164(1)A, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत जो है इसमें एक संशोधन हुआ है, इसको 91st अमेंडमेंट है, संशोधन, और ये वर्ष 2003 में, ठीक है। आर्टिकल 164A में दिया गया है 91वां संशोधन 2003 के अनुसार जो है किसी भी विधानसभा में जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, जो मंत्री परिषद होता है, यानी कि जो मंत्री लोग बनेगा, उसमें एक तो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा, प्लस अन्य मंत्रीगण होगा, अन्य मंत्री होंगे, ठीक है। तो ये जो है मुख्यमंत्री को मिलाकर इसका जो होना चाहिए मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम जो है नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम नहीं चलेगा। इसमें मिनिमम कितना? 12, कम नहीं, मिनिमम कम नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 12 होना चाहिए। और ये जो है जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, जो विधानसभा सदस्य की संख्या है उसका 15% होना चाहिए, 15%, जो विधानसभा सदस्य है की संख्या है उसका 15% ही जो है ये मंत्री परिषद होना चाहिए, ठीक है। कितना परसेंट होना चाहिए? 15% ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कितना होना, अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है कुल संख्या का? 15% हो सकता है, और मिनिमम जो है 12 होना ही होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये तो विधानसभा की बात है। इसी तरह अगर लोकसभा की हम बात करेंगे, लोकसभा में भी जो है आर्टिकल यहाँ पर कितना हो गया? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? 164(1)A, वहाँ पर 76 होगा। तो आर्टिकल 76 के तहत जो है ये कहा जाता है कि लोकसभा में जो मंत्री परिषद है, यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को भी जो है मिलाकर जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या से जो है उसका 15% ही अधिकतम हो सकता है वहाँ पर भी मंत्री, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 76 में दिया गया है। गलत मिलान को छांटना है, देखिए विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है? विधानसभा जो अध्यक्ष हैं 5वीं विधानसभा है, ठीक है। ये विधानसभा कितने नंबर की है? विधानसभा जो है ये कितना नंबर का है? ये 5वीं विधानसभा है, ठीक है। पहला कब 2000 में बना था, फिर दूसरा कब 5 साल बाद 2005, फिर 2009 में बना था, फिर 2014 में बना था, फिर 2019 में बना है, ठीक है। इस समय जो इलेक्शन नहीं हुआ था, जो बिहार से था वही डायरेक्ट यहाँ पर चुन लिया गया। प्रथम जो विधानसभा का चुनाव हुआ था ये 2005 में हुआ था, प्रथम चुनाव, ठीक है। तो अभी क्या 2019 चल रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है? अध्यक्ष क्या हो गया? रविंद्रनाथ महतो हो गया, ठीक है। ये करंट है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान कौन है? रविंद्र महतो हो गया। पहले कौन थे? सबसे पहला जो है पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहला अध्यक्ष विधानसभा का ये भी जानिए, जो पहला अध्यक्ष है और सबसे अधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, ये कौन रहा है? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी। तो ये जो है सबसे अधिक बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लगभग कितना 3 बार रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है विधानसभा के? इंद्र सिंह नामधारी, ठीक। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन है? ये अमर कुमार बावरी हैं। ये जो है अभी हाल में ही 16 अक्टूबर 2023 से अपना जो है पदभार ग्रहण किए हैं। तो अभी जो विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता यानी विपक्ष नेता भी इसको बोलते हैं, ये कौन रहे हैं? अमर कुमार बावरी रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? आलमगीर आलम है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? आलमगीर आलम है, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? सत्य है। अब देखिए अगर बात करेंगे कि विधानसभा के पहले प्रतिपक्ष के नेता कौन है? सबसे पहले ये स्टीफन मरांडी थे, ठीक है। सबसे पहले जो विपक्ष के नेता बने हैं कौन बने हैं? स्टीफन मरांडी बने हैं। अच्छा, आप जो रविंद्रनाथ महतो जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेएमएम से, और इनका क्षेत्र कहाँ से है? नाला से है, ठीक है। रविंद्रनाथ महतो का देखिए एक क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर भी होता है। प्रोटेम स्पीकर ये क्या करता है? ये अस्थाई होता है, पोस्ट होता है। जब जो है अस्थाई अध्यक्ष अगर ना रहे तो ये क्या करता है? जब अस्थाई अध्यक्ष ना रहे तो ये कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। ये लेकिन अस्थाई पोस्ट है और इसका जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर है ये कौन है? विश्वेश्वर खां। क्या नाम है? विश्वेश्वर खां। और नया जो बना है नवीनतम, अभी तो नहीं है लेकिन अभी रिक्त है ये पोस्ट, लेकिन इसके पहले कौन था? स्टीफन मरांडी थे, ठीक है। इतना जानने का ज़रूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। तो यही आप जानिए जो करंट है। विधान प्रतिपक्ष के नेता कौन है? अमर कुमार बावरी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। और अभी कौन है? रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। झारखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो देखिए विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा जो बनता है झारखंड गठन के बाद 2000 में बनता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए। फिर 2005 में हुआ, फिर 2009 में ही हुआ, ठीक है। फिर 2014 में हुआ, 2014 में होता है 14 में, ठीक है, और 2019 में। और ये जो है 5वीं विधानसभा है, ठीक है। देखिए इस टाइम जो है इलेक्शन नहीं होते हैं, विधानसभा इलेक्शन जो है नहीं होता है। ये डायरेक्ट बिहार विधानसभा में जो वहीं से डायरेक्ट चुन लिया जाता है। इलेक्शन जो है प्रथम चुनाव 2005 में होता है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? 2005 होगा। वर्ष 2023 में झारखंड विधानसभा के किस सदस्य को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो पहले थे, प्रथम ये पुरस्कार मिला था, वो कौन थे? विश्वेश्वर खां थे। विश्वेश्वर खां, ठीक है। ये प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। और 2020 में जो है कौन था? ये पुरस्कार नलिन सोरेन को मिलता है, ठीक है। 2020 में नलिन सोरेन, 2021 में, ठीक है, और 2022 में मिलता है, और अभी जो है 2023 में मिलता है, ठीक है। जो नवंबर के महीने में जो है 15 नवंबर को स्थापना दिवस था राज्य का, तभी जो है ये मिला था। और ये किसको मिला था? देखिए 2022 को विनोद कुमार को मिला था, ठीक है, विनोद कुमार सिंह को मिला था। ये जो है रामचंद्र, इनका नाम है, यहाँ भी रामचंद्र है और ये भी रामचंद्र हैं, बट अलग अलग व्यक्ति हैं। ये रामचंद्र कौन है? रामचंद्र चंद्र वंशी। कौन है? रामचंद्र चंद्र वंशी। और ये कौन है? रामचंद्र सिंह है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा करंट कि 2023 में कौन बना था, तो रामचंद्र सिंह बना था। और ये जो है रामचंद्र सिंह है, ये कांग्रेस विधायक हैं, ठीक है, कांग्रेस विधायक हैं। ये कौन से विधायक हैं? किस पार्टी के? कांग्रेस, ठीक है। विधायक तो कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र सिंह हो जाएगा। शेरू राय जो है सिंहभूम से है, और 2019 में ये क्या होते हैं? रघुवर दास को हटाते हैं, को हराते हैं विधानसभा चुनाव में। आप कमेंट करके बताएं, अभी सरयू राय के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया है, उस पार्टी का नाम क्या है? आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए आंसर्स को, जिससे आंसर्स याद रहेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? ये गठन से ही जो है एक पत्रिका, 3 महीने में एक पत्रिका जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उड़ान प्रतियोगिता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।